दोस्तों अगर आप एक IPL फैन हैं, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। तो IPL 2018 की सभी लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप भी अभी RS Entertainment को सब्सक्राइब करें और IPL 2018 की सभी न्यूज का मजा सबसे पहले पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं आरएस एंटरटेनमेंट की बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों हमने वीडियो का टाइटल और थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है और सही देखा भी है, तो दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अभी कर दें क्योंकि ये एक अच्छी खबर है। दोस्तों कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस जो अपना आखिरी मुकाबला हारी राजस्थान रॉयल्स थे, इस समय इनकी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी कि IPL 2018 के प्लेऑफ्स में ये क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें IPL 2018 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 16 पॉइंट्स की ज़रूरत थी और जो कि अब बनाना इनके लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन जो मैच खेला गया, मैच नंबर 48 किंग्स इलेवन पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में, यहाँ पर किंग्स इलेवन पंजाब 88 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और जिस मैच में आरसीबी ने 10 विकेट से ये मैच जीता है, साथ ही साथ 8.1 ओवर में जीता है, यानी 11.5 बॉल शेष रहते इन्होंने मैच जीता है, जिस कारण से आरसीबी की टीम को कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है वो है मुंबई इंडियंस को, क्योंकि दोस्तों मुंबई इंडियंस के जो आने वाले मैचेज हैं उनकी बात करें हम तो पहला मुकाबला है इनका किंग्स इलेवन पंजाब के साथ 16 मई को और मैच है मुंबई के बानखेड़े स्टेडियम में, तो वहीं जो दूसरा मुकाबला है दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ है, तो दोनों ही मैचेस मुंबई इंडियंस जीत सकती है और काफ़ी अच्छे तरीके से जीत सकती है। तो वहीं जो एक और मुकाबला है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स का, तो यहाँ पर कोई सी भी टीम जीते, राजस्थान रॉयल्स या कोलकाता नाइट राइडर्स, किसी का रन रेट कम जरूर होने वाला है। यानी अगर मुंबई इंडियंस किंग्स इलेवन पंजाब के साथ जो मैच है 50th मैच यहाँ पर जीतती है तो वो सीधा तौर पर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने वाली है। यानी यहाँ पर अब ये साफ हो चुका है कि एक टीम जो प्लेऑफ्स में जाएगी वो होगी कोलकाता नाइट राइडर्स या राजस्थान रॉयल्स में से एक, और जो दूसरी टीम रहने वाली है वो रहने वाली है मुंबई इंडियंस या किंग्स इलेवन पंजाब में से कोई एक। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस के लिए ये एक बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि जो दिख रहा था कि मुंबई इंडियंस अब प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, तो वो अब साफ तौर पर क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन उसे क्वालिफाई करने के लिए पहला मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब को हराना होगा और दूसरा जो मुकाबला है वो है दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ, तो वो भी इन्हें हराना ही होगा। तो दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और IPL 2018 की सभी लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आप भी अभी RS Entertainment को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। धन्यवाद।